तो आप देख सकते हो सुबह के 4 बजते ही गेट खुलते ही जहरी ने कुतुबुल मदार यहाँ पे चिरागों को हाथ में लेकर के भागते हुए मन्नत के अकीदे लेकर के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। सुबह अल्लाह देखिए आज कुल की रस्म कुछ इस तरीके से निभाई जा रही है। आप भी शामिल हो रहे हैं कुल की फातिहे में माशाल्लाह। तो देख सकते हो मक्कनपुर शरीफ दरगाह जिंदा शाह मदार पे जन्नत दरवाजा ओपन हो चुका है और इस जन्नत दरवाजे से गुजरने के लिए लोग खासी मशक्कत कर रहे हैं क्योंकि इस जन्नत दरवाजे की मान्यता ये है कि अगर जो इससे गुजर गया तो उसकी सारी मन्नत मुराद पूरी हो जाती है। उसकी फातिहा होने वाली है, उससे पहले यहाँ पे देखिए लोग चिराग उठा उठा करके लेके। ये मैंने देखा आपके पास की थोड़ा ये अलग चीज है, क्या ये पहचान? अच्छा, जिंदा शाह मदार की ये पहचान है, क्या बोलते हैं इसको? तो जैसे कि आपको पता है उर्स के मौके पे मैं आज जिंदा शाह मदार की बारगाह पे आया हूँ जहाँ पे हमें हजरत मिले हैं। तो अब हम इनसे यही जानकारी करके बताएंगे कि किस तरीके से उर्स मनाया गया और ये उर्स में कौन कौन सी रस्में रिवाज होती है। जी हजरत बताइए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज जैसे कि आपको पता जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है और आज सुबह 5 बजे कुल की रस्म हो गया ना। तो अभी जन्नती दरवाजा खुलने वाला है, मेरे को बताया किसी ने 4 बजे 3:30 बजे जन्नती दरवाजा खुल जाएगा, तो वो दिखाऊंगा उससे पहले। और यहाँ जन्नती दरवाजे की क्या मान्यता वो भी बताऊंगा। हमारे साथ में मौजूद है हमारे भाई सब्सक्राइबर है, हमारी वीडियो को देखते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। हैदराबाद से, हैदराबाद से हो? हैदराबाद से, सूफी मोहम्मद अब्दुल सलीम। और आपका? मोहम्मद रऊफ। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मक्कनपुर शरीफ जिंदा शाह मदार के चाहने वाले हैदराबाद हो या दुनिया के कोई भी कोने में हो मौजूद है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मक्कनपुर से आए यार, सॉरी हैदराबाद से मक्कनपुर, इतना दूर आए, आपको रास्ता मालूम? मालूम है भाई, 20 साल से आते हैं मक्कनपुर शरीफ हम। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे। वीडियो कौन कौन सी देखी तुमने मेरी? आपके तकरीबन वीडियो देख चुके हैं, हैदराबाद के भी देख चुके हैं, कानपुर के भी देख चुके हैं। क्या बात है माशाल्लाह। और आपके देवा शरीफ के भी देख चुके हैं। अरे माशाल्लाह भी है, तकरीबन देखते हैं आपके पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये देखिए हमारे, और कहाँ से आप लोग? कहाँ से? बरेली। अरे वाह, बरेली वाले बहुत ज्यादा आए हुए माशाल्लाह और बहुत मोहब्बत करते हैं जिंदा शाह मदार से माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब आप लोगों को दरगाह शरीफ लेकर के चलते हैं और बताते हैं कैसा माहौल है दरगाह शरीफ के आसपास का। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखें ताकि आपको समझ में आए। देख सकते हो दरगाह शरीफ के पास में सारे जारी ना करके बैठे हुए हैं और अभी सुबह जो कुल की रस्म होगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सुबह के टाइम दिखाऊंगा कि कैसा माहौल होता है यहाँ पर, किस तरीके से कुल की फातिहा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाय का लंगर कर रहे हैं हमारे भाई लोग। ये किन की जानिब से हो रहा है? मंसूर कमेटी। मंसूर कमेटी, तो मतलब गली मोहल्ले में जा जा करके चाय। अरे वाह माशाल्लाह, देखिए गली मोहल्ले में जा जा करके जायरीनों को इस तरीके से लंगर यानी चाय का लंगर दे रहे हैं। देखिए ये जिंदा शाह मदार की गलियों में खिदमत खल के जारी है। कैसा लग रहा माहौल? सुभानअल्लाह, मतलब ये कि देखिए चाय खुद चल के आ रही है अपने पास, हर लोग चाय ढूंढने जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और ये हमारे क्या बोलते हैं खादिम साहब, माशाल्लाह कैसे हो, खैरियत? कैसा है माहौल इस बार? माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, सरकार मदारुल आलमीन जिंदा शाह मदार का करम है कि हमारे बरेली की सरजमी के लोग जी जगह जगह जाकर चाय बांट रहे हैं। और इन्हीं बरेली की सरजमी की एक चादर आई थी 596 मीटर जी बरेली की तरफ से आई थी, जो 596 साल का उर्स मदारुल आलमीन था, 596 किलो का लड्डू भी बरेली से आया था। सुभान अल्लाह, मदारे पाक की उम्र 596 साल, 242 हिजरी में पैदा हुए, 838 हिजरी में दुनिया से वफात पाया, 1442 चिल्ले हैं। एक जगह पर इनका चिल्ला है जो सरकार मदारुल आलमीन का, कि जब वहाँ पर गए तो कोई कलमा गो नहीं था, मध्य प्रदेश पन्ना जी, तो आज भी मदारुल आलमीन के नाम से वहाँ पर पन्ना हीरा निकल रहा है। क्या बात है सुभान अल्लाह। 596 बीघा जगह पर सिलसिले आलिया मदारिया में जो पन्ना में हीरा निकल रहा है, जो पुकरा निकल रहा है, वो मदारे पाक के कदमों के निशान की बदौलत। क्या बात है सुभान अल्लाह। और मध्य प्रदेश
जबलपुर शहर या उस इलाके के अंदर सिलसिले आलिया मदारिया में जो वहाँ पर लोग कलमा नहीं जानते थे जब सरकार सैयदना मदारुल आलमीन गए। तो मतलब ये है कि बे इंतहा बरेली के लोग मकनपुर शरीफ से मोहब्बत करते हैं। 75% बरेली जिले के लोग मकनपुर शरीफ के मुरीद हैं। अच्छा, 100% मान लीजिए पूरे लोग मोहब्बत करते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। आपका नाम क्या होगा? सैयद जज्बात अली मस्तान बाबा। तभी आप जज्बाती बात कर रहे हैं जी, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आज कुल की रस्म है तो लोग क्या क्या दरबार में लेके जाएंगे फातिहे के तौर पे? सुन्नी तवर्रुक है, तमाम चीजें। पक्का हुआ खाना नहीं जाता है, चिराग अंदर नहीं जाता है जी, औरत अंदर नहीं जाती है, ढोल ताशे से कव्वालियाँ यहाँ नहीं होती हैं जी। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है किस तरीके से होता है यहाँ पर पूरा प्रोग्राम? नातिया कलाम तकरीर इस तरीके से होता है, जश्न मदारुल आलमीन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हरम शरीफ में कोई भी 40 कदम पर औरत नहीं जाती है, 10 कदम पर कोई भी आदमी नहीं जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, प्रदेश से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा है माहौल जी? कहाँ से आए आप? जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं? लगभग 15 साल से। 15 साल से जी, माशाल्लाह। कई पीढ़ी आ रही है यहाँ पर आपकी? हमको तो अंदाजा ही नहीं है कितनी पीढ़ी से आ रही है। मतलब बस आते जा रहे हैं और आते जाएंगे आगे तक। हमारे बाप दादा। हाँ बस खैरियत। आप कहाँ से जनाब? सलाम अलैकुम। आप भी बरेली से? बरेली वाले तो बड़े मोहब्बत करते हैं यहाँ से। लंगर हम कहीं चाय बांट रहे हैं तो कहीं खीर बांट रहे हैं तो कहीं नान गोश्त, कहीं मिठाई बांट रहे हैं। आप भी बरेली के हो? अरे वाह, बेड़ी वाले खास करके। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। कल डेग भी बनाई थी बेड़ी वालों ने। सही है माशाल्लाह। तो यहाँ पे इतर भी पेश करते हैं ना बाबा? इतर और चादर है ना? दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। दम मदार करते हैं यार। देखिए यहाँ के लोग कितना ज्यादा मोहब्बत करते हैं और खास करके हमारे बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में बस आप लोगों की दुआओं पे जरूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं। साल में एक बार होता है ये जन्नत दरवाजा। कितने बजे खुलेगा अभी? तो भाई मैं 2 घंटे बाद इंशाल्लाह आऊंगा और आपको जन्नती दरवाजे का भी माहौल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हो ये किन की मजार है, जानशीने खुद बुन मदार के ये। अच्छा दादा, दादा अरगुन। अच्छा जिंदा शाह मदार के भतीजे की मजार है ये। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सजावट यहाँ पे हुई है। और अब यहाँ पर जन्नती दरबार। वालेकुम सलाम, कहाँ से हो आप? अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करिएगा। तो देखिए ये मजार शरीफ है और ये भतीजे जो जिंदा शाह मदार के भतीजे थे उनकी मजार है। और अब हम लोग जा रहे हैं जन्नती दरवाजे की तरफ, माहौल दिखाते कैसा है। देखिए हमारे भाई देखते हैं हमारी वीडियो को, बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखा वीडियो में आप बताओ, थोड़ा सा सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए हमारे और भी भाई लोग, कहाँ से आप? आप भी कानपुर से हैं माशाल्लाह। कैसा माहौल इस बार जिंदा शाह मदार की बारगाह का? मतलब हर साल आते हैं और इसी तरह आता रहेंगे और उर्से मदार आलमीन मनाते रहेंगे। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए और भी भाई लोग आए हैं। तुम कहाँ से हैं? गुजराती छे मारे तो गुजराती खबर पड़े छो। गुजरात में क्या नाचो तमे? अरे माशाल्लाह, मतलब चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हैदराबाद हो या दुनिया का कोई भी कोना, जिंदा शाह मदार की बारगाह पे आते हैं और आते रहेंगे और उसको इसी तरीके से मनाते रहेंगे। क्या बात है माशाल्लाह। तो कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पर? बचपन से आ रहे हैं। बचपन से? अरे वाह। तो मतलब कैसा है आज, कितना फर्क दिख रहा है इस बार? बस वही बचपन से लेकर अभी तक वही माहौल चल रहा है, उसे मजार जैसा था वैसा ही है। ये तादाद बढ़ती रही है, तादाद बढ़ती रही है, बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। बेशक। ठीक है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिसको भी जगह मिली है माशाल्लाह वहाँ पर बैठ गए हैं। अब जब कुल की फातिहा होगी ले लिया सामान। क्या बात है माशाल्लाह। तो देखिए कुल की फातिहा में अभी शामिल होने भाई लोग जा रहे हैं। तो अंदर जाओगे या जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठेंगे आप? जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठेंगे। मतलब ये है कि बाबा की बारगाह में आना है और उस मनाना है। सही है माशाल्लाह। तो देखिए ये
इन लोगों को भी यहाँ पे जगह मिली तो बैठ गए भाई लोग। कहाँ से आप लोग? कहाँ से? अरे वाह यार, दिल्ली वाले तो अभी मिले मेरे को। चलो बढ़िया, हरियाणा गुड़गांव वाले मिले। और आप कहाँ से चाची? आप कहाँ से? हाँ, अरे बरेली शरीफ वाले तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा तादाद में आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे जिनको जो जगह मिल रही है वहाँ पर बैठ रहे हैं। और यहाँ पे भी लंगर का इंतजाम करा गया था। और ये हमारे भाई, वालेकुम सलाम, कहाँ से भाई? बरेली शरीफ। बरेली वाले तो माशाल्लाह जहाँ नजर मार रहे हो वहाँ नजर आ रहे हैं। अरे सब बरेली का बरेली है सब लोग। तो आप लोग तो लंगर कराना हो या कुछ भी कराना हो चुकते नहीं हो आप लोग? लंगर चल रहा है हमारा, 100 भगोने हम उतरवा चुके हैं। 100 भगोने? क्या बात है माशाल्लाह। तो मतलब ये कि खिदमत एक हल के जारी है। बिल्कुल। ग्रुप का नाम क्या होगा? बेशक ग्रुप का नाम मदारी ग्रुप। मदारी ग्रुप, क्या बात है। जिंदा शाह मदार का करम नहीं तो क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे भाई सब लोग बता रहे हैं कि जैसे सब सिन्नी वगैरह भी लेकर के जाएंगे और कुल में शामिल होंगे। अभी मैं चलता हूँ। ये देखिए पूरा कितना ज्यादा यहाँ पे क्राउड हो गया माशाल्लाह। और अभी कैसा माहौल होगा वो मैं अंदर आपको लोगों को जाके दिखाऊंगा। और कुल की फातिया होने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर तबर्रुक के तौर पे सिन्नी वगैरह जो जारीन लेकर के जाते हैं वो इस तरीके की सिन्नी वगैरह तबर्रुक वगैरह लेकर के जाते हैं। तो कोई पैकेट सिस्टम होता है या जो जो इसकी श्रद्धा होती ले जाता है? अच्छा, खुला माल जाता है। तो जिसका जो श्रद्धा है मतलब अकीदा है उस हिसाब से ले जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये मैंने देखा आपके पास कि थोड़ा ये अलग चीज है, क्या ये? अच्छा, जिंदा शाह मदार की ये पहचान है। क्या बोलते हैं इसको? सरसों मिठाई। क्या कहते हैं? सिन्नी। अच्छा, और ये क्या चीज है बाबा? चावल का चूरा। अच्छा, ये सब शामिल होता है उसमें। अच्छा ठीक है माशाल्लाह। तो कितने रुपए का पैकेट बना के एक देते हो? जितने 10 का 20 का 50 का 10-20। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और चादरें कितने की बाबा? मतलब 50, 100, 200, 300। अच्छा, वालेकुम सलाम, कहाँ से हैं आप लोग? मैनपुरी से है भाई। अरे मतलब ये मैनपुरी तो मैंने सुना यार, नाम कहाँ पड़ता है ये? क्या हुआ मैनपुरी? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वीडियो को शेयर करिएगा और सपोर्ट करिए, पकड़िए भाई। अच्छा, आप फोटो लेना चाहते हैं, ले लीजिए। तो मतलब ये हमारे भाई लोग है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है यार, इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग, मेरी पूरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई। तो इंशाल्लाह इकावा मैनपुरी भी कभी आएंगे अगर बुलाए इंशाल्लाह। जरूर जरूर, वहाँ पर भी दरगाह शरीफ है? चलिए जरूर इंशाल्लाह, अगर इनके वहाँ पर भी दरगाह शरीफ है अगर भाई बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो कुल में शामिल होने आए आप लोग? क्या क्या ले लिया कुल के लिए सामान? क्या क्या लिया दिखाओ इधर। अच्छा, फूल, अगरबत्ती और ये सिन्नी वगैरह ले लिया है। चलो माशाल्लाह। तो चलिए शामिल होते हैं कुल की रस्म में और बताते हैं आप। बताइए, ये खीर आप जो चावल देख रहे हैं जी, ये चावल की सरकार मदार पान ने 7 कौलियां खाई थी खीर की। खीर की इसी के रोजा खोला था। अच्छा, तो इसीलिए तबर्रुक के तौर पे आप लोग जायरीनों को फूल और ये चावल का ये और ये सिन्नी वगैरह देते हैं। देते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो चादर चढ़ाता है, तबर्रुक लेता है, वो चढ़ाता है अपना। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? जरीर अहमद। ठीक है, बहुत। देखिए जिस भी गली में आप नजर मारोगे कुछ इस तरीके से आपको जारीन दिखेंगे। देखिए गली मोहल्ला हर जगह पूरी पब्लिक ही पब्लिक आपको नजर आएगी। जिंदा शाह मदार के बारगाह में जरूरत के लिए देखिए कुछ इस तरीके से गली मोहल्ले हर जगह से लोग गुजरते हैं। और ये देखिए जन्नती दरवाजा लगता है। बाबा कितने बजे खुलेगा जन्नती दरवाजा? सुबह मान के चलिए कि 4 बजे। 4 बजे खुलेगा, यानी आधा घंटा बचा बस खुलने में। तो बाबा ये जो जन्नती दरवाजा, इसकी क्या मान्यता है? और ये जन्नती दरवाजा कितने घंटे के लिए, ये कितने दिन के लिए खुलता है? एक बार खुलता है जी, 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे, यानी 2 घंटे के लिए खुलता है जी। और इस दरवाजे की क्या मान्यता है बाबा? इस दरवाजे की मान्यता ये है कि सरकार सैयदना मदारुल आलमीन हर जगह पाजगान बाजार को इजरी से है जी। और ये गेट एक इतना बरकती है कि इस गेट से जो निकला उसका बेड़ा पार है। और इस गेट के ऊपर तमाम मन्नत और मुराद के लिए इतने लोग चिराग जलाते हैं जी जी। तो ये जब गेट से अगर कोई दाखिल होना चाहता है तो क्या जहन में सोच के जाना चाहिए या पढ़ते हुए जाना चाहिए गेट से? मोहम्मद मदार दम मदार बेड़ा पार। हक अल्लाह मोहम्मद, हक अल्लाह मोहम्मद मदार दम मदार बेड़ा पार। माशाल्लाह, हो जाएगा बेड़ा पार फिर जरूर। शुक्रिया। तो देखिए जन्नती दरवाजा है, जन्नती दरवाजे के बाजू में हमारे चाचा जान की दुकान है। माशाल्लाह, कुछ भी लेना हो तो इनसे लेके जाइएगा।
और इनका ये घर है सामने ही, तो कभी भी मतलब खिदमत खल के जारी है, मतलब मेहमानों को घर में भी रुकने का भी आपने परमिशन दे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए काफी लोग आए हुए, अभी थोड़ी देर पहले सबका इंटरव्यू लिया था। ये यहाँ बताइए बाबा, ये गली छोटी सी है, मतलब जो तमाम लोग निकल रहे हैं जी, और इससे बड़ी गली है जो मेन रोड से है, उससे लाखों लोग गुजर रहे हैं सरकार से यदा मदारुल आलमीन में। सुभान अल्लाह, मतलब ये भी एक कर्म नहीं तो क्या है। और हर गली से चारों तरफ, और हाँ। सरकार से यदा मदारुल आलमीन की कोई भी गली से निकलो तो सरकार की तरफ कभी पीठ नहीं उठती है। सरकार मदारुल आलमीन की उम्र 596 साल, 556 साल आपने नहीं खाया। इस बार अभी पब्लिक जो आई है, अंदाजन क्या मानते हो कितनी ज्यादा पब्लिक आई होगी इस बार? ना पूछो, ये बाहर वालों से पूछो। आप लोग बाहर घूम रहे थे, कितना पब्लिक आपको नजर आ रहा है बताओ जी? लाखों की तादाद में, मतलब कोई गिनती नहीं है, इतनी ज्यादा पब्लिक आई हुई है माशाल्लाह। ठीक है, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? अरे वाह, कानपुर वाले तो बहुत मोहब्बत ही होते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा लाइन लगा के खड़े हैं। अब मेरे को लगता है ऊपर से दिखाना पड़ेगा तभी दिखेगा, क्योंकि सारे लोग इंतजार में कि जन्नत दरवाजा कब खुलेगा और हम अंदर दाखिल होंगे। बाबा देखो इंतजार में पहले आगे बैठे माशाल्लाह। तो बाबा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये बोतलें टांगी हुई है, क्या मान्यता है? ये लोग पानी यहाँ का ले जाते हैं, प्रभाव है सरकार मदारुल आलमीन का, उससे पेट का दर्द, सर का दर्द, आसेगी, दखल तमाम खत्म होते हैं। यहाँ तक कि इस पानी को पीने से जो बांझ औरतें हैं उनको सहरे औलाद मिलती है माशाल्लाह। तो मतलब ये लोग अपनी बोतल लाते हैं और पानी बांध के जाते हैं, फिर ले जाते हैं खोल करके, क्या बात है माशाल्लाह। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। तो देखिए कितना ज्यादा क्राउड बना हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे जारीन आए हुए हैं, और अभी ये देखिए गेट खुलने का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं जारीन, और जैसे ही यहाँ पे जन्नती दरवाजा खुलेगा वैसे ही सारे लोग दाखिल होंगे। वो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, एक सेकंड भाई। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जिंदा शाह मदार की बारगाह है, ये रोजा मुबारक है जो सुबह कितने बजे खुलता है? 4:30 बजे दरबार शरीफ खुल जाएगा, तो उसके बाद में आप लोग सब जन्नती दरवाजे से दाखिल होंगे और फिर तवाब मतलब ऐसे ही करते हुए आएंगे माशाल्लाह ज़ियारत करते हुए। देखिए और यहाँ पर ज़ायरीनों ने बोतलें टांगी हुई हैं, आप देख सकते हो पानी की भर भर के, क्योंकि इससे कहा जाता है शिफा मिलता है, यहाँ का पानी में भी शिफा है माशाल्लाह। ये जन्नत दरवाजा भी खुलेगा, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हो ज़ायरीन हज़रात, ये जिंदा शाह मदार की बारगाह पे मैं पहुँच चुका हूँ माशाल्लाह। और सामने देखिए ये मस्जिद, आलमगिरी मस्जिद कितनी खूबसूरत यहाँ पे सजाई गई है, और अभी यहाँ पे जो कुल की रस्म होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये जन्नती दरवाजा जब खुलेगा मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। देखिए यहाँ पे yeah।
गेट खुल गया, अच्छा गेट खुल गया, देखिए होने लगा। ये क्या हो रहा है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं आस्थाने में? आस्थाने को चूम रहे हैं चारों दरवाजों को, चारों जालियों को देखे यहाँ पर जारी ना रहे और चूम रहे हैं। अभी जन्नती दरवाजा भी खुलने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, देखिए क्या मंजर है यहाँ पर। यहाँ पे जारी भाग भाग के दरबार में चूम रहे हैं, दरबार खुल गया तो जालियों को पकड़ लिया। भीड़ देखिए, अभी सारी जितनी भी भीड़ बाहर है, ये सारी भीड़ अंदर किस तरीके से अंदर पेश होगी वो भी आपको दिखाया जाएगा। देखिए जिंदा शाह मदार के उर्स मुबारक के मौके पर माहौल, दम मदार बेड़ा पार। कई लोग अपने हाथों में चिराग लेकर के आए थे, क्या मान्यता होती है? चिराग रखते हैं किनारे, अच्छा किनारे किनारे रखते हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा तादाद में जारीन यहाँ पर भी है और कितनी ज्यादा तादाद में जारीन वहाँ पर भी है। और ये देखिए सामने जलसा हो रहा है, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। खुल गया जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा देखिए खुल गया है, और क्योंकि दरवाजा बहुत ज्यादा छोटा है तो इसमें जारीन बड़ी मुश्किल से एक एक दो दो करके निकल रहे हैं। देखिए बाहर, देखिए जन्नती दरवाजा यहाँ पे अपने आप खुल जाता है, कहा जाता है। देखिए ये मान्यता है यहाँ पर, और अभी कुल की रस्म जो होगी वो भी पूरा आप लोगों को दिखाया जाएगा। सारी जारीन जो बाहर खड़ी हुई, इतनी सारी भीड़, सारी भीड़ अभी जन्नती दरवाजे से अंदर जाएगी। तो देखिए गाइस, जिंदा शाह मदार में कुल की रस्म कुछ इस तरीके से होती, क्या क्या होता है यहाँ पे मेरे को थोड़ा समझाओ। हाँ, यहाँ पर किस तरीके से कुल मनाया जाता है? कुल ये चूम के मनाया जाता है, अच्छा इबादत करते हैं। अच्छा, दरबार की जो चालियाँ हैं उसको चूमते हैं, फिर इबादत करते हैं, इबादत करते हैं, और फिर जन्नत दरवाजे से गुजरते हैं और दरबार में ज़ियारत करते हुए चले जाते हैं वापस। माशाल्लाह, देखिए यहाँ पे कुल की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे तो ज़्यादा ही भीड़ लग गई, इधर से मैं दिखा नहीं सकता, नहीं दिखाता आपको। और मेन जन्नत दरवाज़ा देखिए यहाँ पे खुल चुका है, और सारे जारीन दम मदार बेड़ा पार का नारा लगाते हुए अंदर पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह देखिए, तो देख रहे हैं आप इतनी ज़्यादा तादाद में जारीन बाहर जो खड़े हुए हैं, ये सारे बहुत छोटा सा दरवाज़ा जन्नत दरवाज़ा वो खुल गया है और उसमें से लोग निकल रहे हैं। देखिए और दरबार में कुल की रस्म निभाई जा रही, देखिए माशाल्लाह। अभी मैं भी जाता हूँ दरबार में, कैसे मनाया जाता है यहाँ पे उर्स मुबारक, वो पूरा मैं आपको अपडेट देता हूँ वहाँ पर जा करके। माशाल्लाह, मान्यता होती है यहाँ पे, मेरे को बताओ कुल कैसे मनाया जाता है यहाँ? कुल सलाम के बाद होएगा, सलाम के बाद हो, अभी नहीं चालू हुआ, शुरू हो गया, कुल के अरकान पूरे हो गए। अच्छा, कुल के अरकान शुरू हो गए अब, ये कब तक चलेगा? ये सुबह 5 बजे तक, 5 बजे तक चलेगा, जन्नत दरवाजे से लोग गुजरना शुरू हो गए। तो देखिए यहाँ पर कुल की रस्म, अभी कुल की फातिहा स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे जारी। देखिए कुल की फातिहा होने वाली है, उससे पहले यहाँ पे देखिए लोग चिराग उठा उठा करके लेके जा रहे हैं। देखिए दम मदार बेड़ा पार के नारे लगाते हुए लोग, गेट खुल गया है, अब जारीन सारे अंदर जा रहे हैं। देखिए देखिए जिंदा शाह मदार की बात Come on!
और यहाँ पर सारे जारीन अंदर आ चुके हैं। देखिए जिस तरीके का माहौल है माशाल्लाह, देख सकते हो सुबहान अल्लाह। भी कुल की रस्म, कुल की फातिहा होने वाली है, वो आप लोगों को मैं बताऊँ। यहाँ पर चार जालियाँ हैं, उसको चूमा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो जिंदा शाह मदार की बारगाह पे गेट खुलते ही पहली चादर यहाँ पे ज़ायरीन लोग लेकर के पेश करने के लिए पहुँच चुके हैं, और कुछ इस तरीके से घूम फिर करके हर जगह से जालियों में से चादर पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। आप दिखाते हैं आप लोगों को जन्नत का दरवाजा जो खुलता है, कितना परसेंट खुल गया है। माशाल्लाह, ये देखिए ये जन्नत दरवाजा जो अपने आप खुलता है। ये देखिए कितने लोग यहाँ से आ रहे जा रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए जन्नत, ये देखिए लोग निकल निकल के आ रहे हैं जन्नत दरवाजे से। ये देखिए अपने आप कहा जाता दरवाजा खुलता है, और साल में एक बार दो घंटे के उसमें बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए अंदर से जाके? बिल्कुल अभी आया वापस से। अच्छा, जाके आए? कहाँ से आए हो आप? मैं चित्तौड़ से आ रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ से आए हो, माशाल्लाह। कैसा लगा इस बार मंजर? बहुत शानदार, मतलब जन्नती दरवाजे से निकलने का मौका आपको मिल गया। चलिए माशाल्लाह, देखिए हमारे भाई चित्तौड़गढ़ से आए और जन्नत दरवाजे से निकलने को इनको मौका मिल गया। ये देखिए छोटा सा दरवाजा है, बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं, पर ये करम नहीं तो क्या है, ये भी करम है माशाल्लाह। देखिए ये जन्नत दरवाजा, यहाँ से लोग गुजरते हैं। ये देखिए छोटा सा दरवाजा, संभल के ये देखिए। जन्नत दरवाजा है, जन्नत दरवाजे से लोग गुजर रहे हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ निकलने की, अगर निकल पाया तो जरूर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। देखिए जिंदा शाह मदार के बाद माशाल्लाह, और ये जन्नत दरवाजे से लोग गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो, खैरियत? माशाल्लाह, देखिए लोग हमारे बाबा लोग जमा हो गए हैं, कुल की फातिहा में शामिल होने आए हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। देखिए जहाँ जगह मिली खड़े हो गए भाई लोग, शामिल हो गए। देखिए कुल की फातिहा होने वाली, उससे पहले लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। और खैरियत, आप भी शामिल होने आए कुल की फातिहा में? माशाल्लाह। अरे मेरा भाई, क्या हाल चाल है, कब आए? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलो कुल की फातिहा में शामिल हो जाओ। देखिए जिनको जो जहाँ जगह मिल रही है, वो लोग खड़े हो जा रहे हैं, और जिस तरीके से कुल की फातिहा में भी शामिल होने आए। देखिए हम भाई माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पे एक जाने का रास्ता है, एक आने का रास्ता है, और जिनको जो जगह जहाँ मिल रही है, वो वहाँ पर खड़े होकर के कुल की फातिहा में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से कुल की रस्म, यानी कुल की फातिहा होने से पहले यहाँ पर जमा होना शुरू हो गया। जिसको जहाँ जगह मिल रही है, वो हम देखिए जिंदा शाह मदार के बारगाह पे हम लोग आए। हमारे भाई कानपुर वाले भी मिले माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का। जैसे अजमेर की अपील देता हूँ, देखिए जहाँ पे जिसको जगह मिल रही है, वो वहाँ पर जा रहा है कुल की फातिहा में शामिल होने के लिए। माशाल्लाह, मेरे लिए
बहुत है गुलामी मदर की, क्या बात है, गुलामी मदर की। और तूफान खुद की कश्ती किनारे लगा गया, और तूफान खुद की कश्ती किनारे लगा गया, गूंगी सदा फजाओं में जब दमदार की, तकदीर के कशा की तो आप देख सकते हो कुल के मौके पे कुछ इस तरीके से तबरुकात को रखा जाता है, और बाद कुल की रस्म यानी कुल की फातिहा के बाद ये जितने भी जायरीन आए हैं उन लोगों में तकसीम करा जाता है माशाल्लाह। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुल की रस्म को निभाया जाता है। अल्लाह उन नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, परवरदिगार
या अल्लाह खालिक समावात या इलाहा अलमीन, या अल्लाह जो लोग कारोबार से परेशान है या अल्लाह उनके कारोबार को बेहतर से बेहतर बना, आमीन। या अल्लाह जो बेरोजगार है या अल्लाह उनको रोजगार वाला बना दे, या अल्लाह जो बे औलाद है साहिब औलाद बना दे, या अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को नेक और सालेह बना दे, या अल्लाह जो बच्चियां अपने घरों में हैं परवरदिगार और उनको बल नहीं मिल रहे हैं या अल्लाह तुम उनको अच्छा घर अता, या अल्लाह परवरदिगार, या अल्लाह जितने लोग जिस कदर भी लोग कारोबार के सिलसिले में इस बारगाह में आए हैं या अल्लाह उनको मुनाफों के साथ अपने घरों की तरफ वापस करवा दे। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं गाइस कि यहाँ पे जो कुल की रस्म जो निभाई जाती है कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे जब कुल की फातिहा हो जाती है और सलाम हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे जो जारीन आते हैं वो दरबार को चूमते हैं और इबादत करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुल की रस्म निभाई जाती है। यहाँ पर जैसे पानी का छिड़काव होता है या इत्र होता है वो सब नहीं डाला जाता है, यहाँ पे दरबार को चूम के ज़रत करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुल की रस्म को निभाया जाता है। माशाल्लाह कई लोग होते हैं जो पानी का छिड़काव भी करते हैं बट यहाँ पे ज़्यादा वो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए कुल के फातिहे हो चुके हैं, अब जारीनों में यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है जो भी यहाँ पे फातिहे का सामान लेकर के आए थे। माशाल्लाह नहीं शुक्रिया, तो देखिए और एक चीज़ आपको बता दूं गाइस कि कई लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि क्या जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ारीन यहाँ पर दरगाह शरीफ में तो क्या रोज़ा मुबारक के तरफ दरगाह शरीफ के तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ज़ारीन आए हुए हैं वो सारे लोग काबा के तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो मस्जिद है उस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। देख सकते हो ये जिंदा शाह मदार की बारगाह का माहौल आप देख रहे हैं, उर्स के माहौल पर खासी तादाद में ज़ारीन यहाँ पर आते हैं और एक साथ कुछ इस तरीके से नमाज माशाल्लाह पढ़ते हैं और इतना खूबसूरत प्यारा मंज़र ये लगता है, ये अपनी मैं आँखों से देख रहा हूँ। और मैं दुआ भी करता हूँ कि जो ज़ारीन किसी कारण से यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस दरबार में आ पाएँ और आपको भी बाबा जान अपनी बारगाह की ज़रूरत कराएँ। और बाकी मैं यहाँ के खादिम साहब से भी जानकारी करके पूरी आपको बताऊँगा किस तरीके से आना है और किस तरीके से आप लोग ज़रूरत कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो देखना कंटिन्यू ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आए। तो जैसे कि आपको पता है उर्स के मौके पर मैं आज जिंदा शाह मदार की बारगाह पर आया हूँ जहाँ पे हमें हजरत मिले हैं, तो अब हम इनसे यही जानकारी करके बताएंगे कि किस तरीके से उर्स मनाया गया और ये उर्स में कौन कौन सी रस्में रिवाज होती है। जी हजरत बताइए। ये सरकारी सरकारा हजरत सैयद बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स बाग जमादुल मदार यानी कि जब मदार का चांद नजर आता है उसी की 17 तारीख ये उर्स मनाया जाता है। आज अभी कुल की रस्म अदा हुई है जी और लोगों ने दुआएं खैर की गई, लोगों के लिए कुल की रस्म को अदा किया गया है। जी और ये जो कितने दिन का उर्स मनाया जाता है? ये 3 दिन का उर्स होता जी है। वैसे तो 6 तारीख से गुलपोशी होती है सरकार में जी और उसी दिन से उर्स की तकरीबा शुरू हो जाती है जी। रोजाना दरगाह शरीफ में प्रोग्राम होते हैं, जलसा होता है और 70वीं शरीफ जो आज 17 तारीख थी और अभी आपने देखा कि उर्स का समापन हुआ है और लोगों के लिए अपनी अपनी मन्नतों की दुआएं मांगी है सरकार मदार पाक से जी और अपने दामन को भर करके ले गए हैं यहाँ से माशाल्लाह। इस दर पे जो मांगो वो मिलता है बेशक सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम है पीर तरीकत हजरत सैयद मोहम्मद नजमुल मियां जाफरी मदारी सज्जाद नशीन खान पयालिया मदारिया मकबूल शरीफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आज मैंने देखा कि जन्नती दरवाजा भी खोला उसका क्या वाकया है? ये जो है उर्स के वक्त जो है 17 तारीख जब चलते कुल की रस्म अदा होती है उस वक्त जन्नती दरवाजा को खुलते हैं, अपने आप खुलता है, मन्नतें मांगते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी भी होती है। तो देखिए माशाल्लाह खासी तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आए हुए हैं और ये आपके मुरीदीन भी आए हुए हैं माशाल्लाह। और ये जो उर्स का मौका रहता है तो आप लोग ये पूरा इंतजाम किस तरीके से करते हैं? देखिए हमारी उर्स इंतजामिया कमेटी जो मेहमान पार्टी है वो सब इंतजाम को देखती है जी। बहुत बड़ा पब्लिक लगभग कुछ नहीं तो 25-30 लाख का मजमा होता है जी। उसको देखना होता है जगह जगह इंतजाम की।